नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे भारतीय कृषि क्षेत्र के बारे में। इसमें जो समस्याएं हैं उन्हें भी देखेंगे और हम लोग उपाय भी देखेंगे। ठीक है, भारतीय कृषि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन्हें भी देखेंगे और इनके उपायों को भी देखेंगे। ठीक है, प्रगति के सुनहरे अतीत पर खड़ा भारतीय कृषि क्षेत्र की देश की अर्थव्यवस्था में सदैव ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। भारत विश्व का 10वां सबसे बड़ा कृषि योग्य भू संसाधन मौजूद है भारत में। वर्ष 2011 की कृषि जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 61.5% हिस्सा ग्रामीण भारत में निवास करता है और यह कृषि पर निर्भर करता है। याद रखना है, भारत में विश्व का 10वां सबसे बड़ा कृषि एवं भू संसाधन मौजूद है। और वर्ष 2011 की कृषि जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या का 61.5% हिस्सा ग्रामीण भारत में निवास करता है और यह कृषि पर निर्भर है। उक्त तथ्य भारत में कृषि के महत्व को भली भांति स्पष्ट करते हैं। वर्ष 2019 में देश के कृषि क्षेत्र में कई प्रकार के हस्तक्षेप और व्यवधान देखे गए हैं। वर्ष 2019 के पहले हिस्से में 75,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड निवेश के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई। हालांकि वर्ष 2019 का दूसरा हिस्सा इस क्षेत्र के लिए आपदा के रूप में सामने आया और देश के कई हिस्सों में सूखे और बाढ़ की समस्या घटनाएं देखेंगे। इसके अलावा आर्थिक मंदी और सब्जियों, खासकर प्याज और दालों की कीमतों में वृद्धि ने उपभोक्ताओं, जिसमें किसान भी शामिल हैं, पर बोझ को और बढ़ा दिया। यह स्थिति मुख्यतः दो तथ्यों को स्पष्ट करती है। याद रखना, किसान इसलिए शामिल किया गया है यहाँ शब्द, क्योंकि किसानों को उतना, अगर 100 रुपये किलो प्याज चल रहा है अभी, 150 रुपये किलो हो जाए, 500 रुपये किलो हो जाए, लेकिन इतना महंगा प्याज किसान जो उगाते हैं वो नहीं बिकता है, क्योंकि ये जो बिचौलिए होते हैं वो स्टॉक करके रख लेते हैं। किसानों से तो वही 10-5 रुपये में खरीदते हैं किलो के हिसाब से, ठीक है, लेकिन ये स्टॉक करके भाव बढ़ा देते हैं उसके। ठीक, तो ये मत सोचा करिएगा कि किसानों को फायदा हो रहा है अगर 200 रुपये किलो बिक रहा है, क्योंकि किसानों तक वो फायदा पहुंचता ही नहीं है। ठीक, इसमें दो तथ्य स्पष्ट हैं, लोक लुभावन उपायों और प्रयासों का अर्थव्यवस्था पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और जलवायु प्रेरित आपदाओं की विविधता को कम करने के कई उपायों के बावजूद कृषि क्षेत्र और किसानों को नुकसान हो रहा है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि नीति निर्माण के समय अतीत के अनुभवों को ध्यान में रखा जाए, मौजूद अवसरों का यथा संभव लाभ उठाया जाए। भारत में कृषि की मौजूद स्थिति देखते हैं। हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अन्य क्षेत्रों की तुलना में रोजगार अवसर के लिए कृषि क्षेत्र पर अधिक निर्भर है। आंकड़ों के मुताबिक देश में चालू कीमतों पर सकल मूलवर्धन में कृषि एवं सहायक क्षेत्रों का हिस्सा 2014-15 के 18.2% से गिरकर 2019-20 में 16.5% हो गया है, जो कि विकास प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम है। ज्ञात है कि कृषि में मशीनीकरण का स्तर कम होने से कृषि उत्पादकता में कमी होती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार भारत में कृषि का मशीनीकरण 40% है, जो कि ब्राजील के 75% और अमेरिका के 95% से काफी कम है। इसके अलावा भारत में कृषि ऋण के क्षेत्रीय वितरण में भी असमानता विद्यमान है। देश के लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए पशुधन आय का दूसरा महत्वपूर्ण साधन है। किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बीते 5 वर्षों के दौरान पशु क्षेत्र में 7.9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि उत्पादों के वैश्विक व्यापार में भारत अग्रणी स्थान पर है, किंतु विश्व कृषि व्यापार में भारत का योगदान मात्र 2.15% है। भारतीय कृषि निर्यात में मुख्य भागीदारी में अमेरिका भागीदारों में अमेरिका
सऊदी अरब, ईरान, नेपाल और बांग्लादेश शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1951 में 91 में 91 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत से ही भारत में कृषि उत्पादों के निर्यात को निरंतर बनाए हुए हैं। कृषि क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों के बारे में बात करते हैं हम लोग और समस्याएं। पूर्व में कृषि क्षेत्र से संबंधित भारत की रणनीति मुख्य रूप से कृषि उत्पादन बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित रही, जिसके कारण किसानों की आय में बढ़ोतरी करने पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। विगत 50 वर्षों के दौरान हरित क्रांति को बनाए जाने के बाद भारत का खाद्यान्न उत्पादन 3.7 गुना बढ़ा। जब हरित क्रांति आई तो भारत का खाद्य उत्पादन कितना बढ़ा? 3.7 गुना, जबकि जनसंख्या में 2.55 गुना वृद्धि हुई। किंतु किसानों की आय वृद्धि संबंधी आंकड़े अभी भी निराशजनक है। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को निर्धारित किया है, जो कि इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, किंतु यह लक्ष्य काफी चुनौतीपूर्ण माना जाता है। अभी जैसा कि आपको पता है, मोदी गवर्नमेंट जब से आई तो मोदी बोल ने कई बार बोला है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, ठीक। तो अभी वो लक्ष्य रखा है, अब देखते हैं 2022 तक होती है या नहीं। लगातार बढ़ती जनसांख्यिकीय दबाव में कृषि में पिछन रोजगार और वैकल्पिक उपयोगों के लिए कृषि भूमि के रूपांतरण जैसे कारणों में औसत भूमि धारण में भारी कमी देखी गई है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1970-71 में औसत भूमि धारण 2.28 हेक्टर था, जो वर्ष 1980-81 में 1.82 हेक्टर और वर्ष 1995-96 में 1.50 हेक्टर हो गया। उच्च फसल पैदावार प्राप्त करने और कृषि उत्पादन में नियंत्रण वृद्धि के लिए बीज एक महत्वपूर्ण और बुनियादी कारक है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि उन बीजों का वितरण करना। किंतु दुर्भाग्यवश देश के अधिकतर किसानों तक उच्च गुणवत्ता वाले बीज पहुंच ही नहीं पाते हैं। याद रखिए, अभी भी गांव के किसान पुराना जो होता है उसी बीज को लगा देते हैं, लेकिन जो नया वैरायटी का बीज आता है अच्छी गुणवत्ता वाला, वो उस तक गांव के किसानों की पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाती है, ठीक है, इसलिए उपज कम होती है। भारत कृषि क्षेत्र का काफी हद तक मानसून पर निर्भर करता है। देखा होगा आपने कि मानसून, भारत की कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, इसीलिए क्योंकि हमारे भारत की कृषि है जो वो मानसून पर निर्भर करती है। अगर मानसून अच्छा रहा तो पैदावार अच्छी होगी, अगर मानसून खराब रहा तो पैदावार खराब हुई। प्रत्येक वर्ष देश के करोड़ों किसान परिवार बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रकृति पर अत्यधिक निर्भरता के कारण कभी कभी किसानों को नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। यदि अत्यधिक बारिश होती है तो भी फसलों को नुकसान पहुंचता है, और यदि कम बारिश होती है तो भी फसलों को नुकसान पहुंचता है। इसके अतिरिक्त कृषि के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन भी एक प्रमुख समस्या के रूप में सामने आया है। उनमें मौसम के पैटर्न को परिवर्तन करने में भूमिका अदा की है। आजादी के 70 दशकों बाद भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विपणन व्यवस्था गंभीर हालत में। यथोचित विपणन सुविधाओं के अभाव में किसानों को अपने खेत के उपज को बेचने के लिए स्थानीय व्यापारियों और मध्यस्थों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उन्हें फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। यही है बिचौलिए, क्योंकि जब आपका विपणन मतलब कोई व्यवस्था ना हो अच्छी बेचने की, तो जो बीच के बिचौलिए होते हैं बनिए, वही फसल का अच्छा मूल्य नहीं देते और किसानों को शोषण कर लेते हैं, ठीक है, सस्ते में ले जाते हैं और फिर अपना महंगे में बेचते हैं। प्रभाव की बात करें देश में, तो देश कृषि क्षेत्र में विद्यमान विभिन्न चुनौतियों और समस्याओं के परिणाम स्वरूप किसान परिवारों की आय में कमी होती है और वे ऋण के बोझ तले दबते चले जाते हैं, क्योंकि जब उनका पैदावार कम होगा उन्हें मूल्य कम मिलेगा। ऐसी समस्याएं रहेंगी तो किसान अपने खर्च के लिए, अपने जीवन की पूर्ति करने के लिए ऋण लेगा, और वो ऋण किससे लेगा? उन्हीं महाजनों से, उन्हीं व्यापारियों से, बिचौलियों से। तो वो उसके एवज में भी ज्यादा ब्याज लेकर भी परेशान करते हैं, ठीक है, और शोषण करते हैं। अंततः उसके समक्ष आत्महत्या करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं रहता। जब खेती की नुकसान हो जाए, जब उसके पास
कुछ उपाय ही ना हो अपने भरण पोषण के लिए, परिवार की देखभाल के लिए, तो वो क्या कर सकता है? इसीलिए सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं। निम्न और अत्यधिक जोखिम वाली कृषि आय कृषकों की रुचि पर हानिकारक प्रभाव डालती है और वे खेती को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इससे देश में खाद्य सुरक्षा और कृषि क्षेत्र के भविष्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब उपाय की बात करते हैं, इन समस्याओं का जो समस्याएं हैं इनका समाधान की बात करते हैं। कृषि क्षेत्र समावेशी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण खंड है और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन प्रदान करना करता है, खासकर तब जब अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन ना कर रही हो। कृषि व्यय और विकास चालकों में असमानता के मुद्दे को संबोधित किया जाना चाहिए। पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र में उच्च विकास के बावजूद भी इन क्षेत्रों पर किए जाने वाला व्यय अपेक्षाकृत कम है, अतः पशु और मत्स्य पालन क्षेत्र के योगदान को देखते हुए आवश्यक है कि इन क्षेत्रों पर होने वाले व्यय में वृद्धि की जाए। कृषि में अनुसंधान और विकास पर खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.40% से बढ़ाकर लगभग 1% किया जाना चाहिए। कृषि पर भारत की निर्भरता और जलवायु प्रेरित आपदाओं को देखते हुए देश में भर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्लाइमेट स्मार्ट विलेज की अवधारणा के कार्यान्वयन का विस्तार किया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। कृषि क्षेत्र में से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए एक एजेंसी की स्थापना की जानी चाहिए। यह संस्था लाभार्थियों की पहचान, सब्सिडी के बेहतर लक्ष्यीकरण और नीति निर्माण में सहायक हो सके। ठीक है, इसी तरह के मतलब कि जनता को अच्छे बीज मिलना चाहिए, हैं? उन्हें अच्छे मूल्य पर उनका उत्पादन, जो भी फसल उत्पादित हो उसका अच्छा मूल्य मिल जाए। इसी तरह की व्यवस्थाएं हो जाए तो हमारे देश में किसानों की स्थिति सुधर सकती है। ठीक है, उन्हें जो नए किस्म के बीज आए अच्छी गुणवत्ता की, वो भी उन तक पहुंच हो जाए उनकी। ठीक,